लोकसभा के रण के लिए दिल्ली से करीब 268 किलोमीटर दूर हो रहे लोकसभा चुनाव पर सबकी निगाहें टिकी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र की, जिस पर दो ओलंपियंस में चुनावी जंग है। भाजपा से केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मैदान में हैं, तो वहीं पर कांग्रेस टीम मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए ओलंपियन के सामने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता कृष्णा पूनिया का पर्दाव खेला है। पूनिया वर्तमान में सादुलपुर से विधायक है। आइए देखते हैं इस सीट के लिए क्या खास रिपोर्ट। जयपुर ग्रामीण सीट पर दो खिलाड़ियों में है जंग। सांसद कर्नल राज्यवर्धन और कृष्णा पूनिया में टक्कर। क्या इस सीट पर भाजपा का कब्जा रहेगा बरकरार? राठौड़ को लगेगा निशाना या पूनिया फेंकेंगी थ्रो? जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में है 17 लाख मतदाता। जाट ब्राह्मण यादव और एससी वोटों का है बोलबाला। राठौड़ ने 2014 में 3 लाख वोटों से हराया था सीपी जोशी को। इस बार जातीय समीकरण रहेंगे राठौड़ के लिए चुनौती। जाट पूनिया और राजपूत राठौड़ के पक्ष में लामबद्ध। अन्य जातियों के मतदाता होंगे निर्णायक। या मोदी के नाम भाजपा को फिर मिलेगी जीत? नतीजों तक करना होगा जीत का इंतजार। परिसीमन के बाद इस सीट पर कांग्रेस और भाजपा का एक एक बार कब्जा रहा। 2009 में कांग्रेस के लालचंद कटारिया ने भाजपा के राव राजेंद्र को हराकर कांग्रेस का खाता खोला था, लेकिन 2014 में मोदी लहर में राज्यवर्धन राठौड़ ने करीब 3 लाख वोटों से कांग्रेस के सीपी जोशी को मात दी थी। लेकिन इस बार कांग्रेस ने स्वर्ण पदक विजेता कृष्णा पूनिया को मैदान में उतार कर चुनाव को काफी रोचक बना दिया। एक तरफ जहां कर्नल राठौड़ पीएम मोदी की लहर और खुद की 5 साल की मेहनत के भरोसे जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पूनिया जयपुर ग्रामीण के कांग्रेस विधायकों और जाट यादव गुर्जर एससी वोटर्स के भरोसे जीत का दम भरती नजर आई। आज हम खेल के मैदान को छोड़ के राजनीति के मैदान में। हाँ जी। और जनता के प्रति हमारी जवाबदेही बनती है। 5 वर्ष पूर्व आप भारी बहुमत के साथ सांसद चुने गए और इन 5 वर्षों में आपने क्या किया, ये उनकी जवाबदेही बनती है कि जो वादे किए थे उनपे कितना कुछ उन्होंने किया। लेकिन बड़े अफसोस की बात, कर्नल साहब अपने सांसद कोष की राशि भी नहीं खर्च कर पाए जयपुर ग्रामीण के विकास के लिए। जातिगत समीकरणों पर अगर गौर फरमाएं तो यहां जाट ब्राह्मण और अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या कहीं अधिक है, जबकि गुर्जर यादव मीणा राजपूत माली और वैश्य मतदाता भी चुनावी गणित को प्रभावित करने का मादा रखते हैं। यहां 2.5 से 3 लाख के करीब जाट और 1.5 लाख के करीब गुर्जर है। ऐसे में जातियों को साधना कर्नल के लिए चुनौती से कम नहीं होगा। हम मोदी जी का काम बताने जाते हैं और जनता बोलती है ठहरो ठहरो, मोदी जी की चर्चा तो हम कर रहे हैं, बोलते मोदी जी की बात तो हम करेंगे, आप क्या करोगे। बहुत शानदार माहौल है और मैं सब समझता हूं कि एक देश के लिए, वो भी एक ऐसा देश जो दुनिया में माना जाता है लेकिन पिछले कुछ दशकों से पिछड़ गया था, एक ऐसे देश के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में से एक ऐसा व्यक्ति निकला है जो जन के सजन जन के मन में बस गया है। 2014 में भाजपा की जीत के बाद इस बार कौन जीतेगा? दो ओलंपिक खिलाड़ियों के जंग में किसका सटीक निशाना लगेगा और कौन फेंकेगा जीत का थ्रो? इसके लिए आप और हमको 23 मई के नतीजों का इंतजार करना होगा। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट के लिए वन टीवी के लिए कैमरा पर्सन विजय गिरी के साथ पिंटू सिंह नरुका की खास रिपोर्ट।